हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि परिस्थितियाँ बहुत सारी आएंगी, कुछ अच्छी होंगी, कुछ बेहतरीन होंगी, कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरी होंगी जो आपको कहीं ना कहीं पर पीछे धकेलने की कोशिश करेंगी। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, अगर आपने अपने आप को सकारात्मक बनाए रखा है, तो यकीन मानिए कि परिस्थितियां कब आएंगी और कब चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। हमेशा थोड़ा सा रुकिए और रुक करके ये देखने की कोशिश कीजिए कि क्या ऐसा हुआ उस परिस्थिति की वजह से जो आपके जीवन में सकारात्मक चेंजेस लेकर आया है, और आप यकीन मानिए कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक DIY समर स्पेशल क्रीम के बारे में। गर्मियों का मौसम दोस्तों शुरू हो चुका है, हम सभी की स्किन ने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो तेल है वो बनाना शुरू कर दिया है। अगर आप कंपैरिजन करो अपनी स्किन को सर्दियों में और गर्मियों में, तो डेफिनेटली गर्मियों में हमारी स्किन जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा ऑयली हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में ब्रेकआउट्स भी आते हैं, कई बार स्किन में ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो जाते हैं। तो आज की ये क्रीम बनाते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारी स्किन में जो ऑयल ज़्यादा आ रहा है वो बैलेंस हो जाए, हमारी स्किन ड्राई भी ना हो लेकिन नॉर्मल बनी रहे, और साथ के साथ में हमारी स्किन पर गर्मियों में जो टैनिंग हो जाती है, जो सनबर्न हो जाता है, वो भी ना हो। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में मैं आज बात करूँगा जिनको इस्तेमाल करके आप इस DIY क्रीम को बना पाओगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह लेंगे एक कमेंट जो आया है हमारे ही इस परिवार के किसी सदस्य का, जिसने हमारे एक रिकमेंडेड प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। दोस्तों, आज का जो कमेंट आया है वो है पुष्पांजलि कुमारी 8565 का। ये लिखती हैं, यूज करती हूँ, अच्छा है, ब्यूटी विटामिन कैप्सूल ले रही हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच पुष्पांजलि आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए। ब्यूटी विटामिन जो है, मैं अपने बहुत सारे वीडियोज में आपको रिकमेंड कर चुका हूँ कि अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, आप चाहते हैं आपकी स्किन हेल्दी रहे, आपकी स्किन ग्लोइंग रहे और आपकी स्किन में किसी भी तरह से पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल या फिर रिंकल्स की फॉर्मेशन आपको नजर ना आए, तो डेफिनेटली आपको ब्यूटी विटामिन जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ब्यूटी विटामिन के अंदर आपको वो सभी के सभी विटामिन और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन मिलता है जो हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए और हमारे नेल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सारे के सारे विटामिन और मिनरल्स हम अपने खाने से पूरा नहीं कर पाते हैं। सो मेक श्योर अगर आप भी अपनी स्किन को बेहतर बनाना चाहते हैं और अभी तक आपने ब्यूटी विटामिन को ट्राई नहीं दिया है, तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए लिंक मैं आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसे लेना भी बहुत आसान है, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद, और 3 से 6 महीने में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, लौटते हैं अपने वीडियो की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे थे DIY एक क्रीम के बारे में जो कि गर्मियों के लिए स्पेशली हम बना रहे हैं। तो इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा इसका बेस, और इसका बेस होगा फ्लैक्सीड जेल। फ्लैक्सीड हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं या अलसी के बीज हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे जो हमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देनी होती हैं वो हम बहुत आसानी से दे पाते हैं। स्किन नेचुरली ग्लो करती है, रिजुविनेट करती है, और स्किन के ऊपर जो टैनिंग और सनबर्न आ जाता है वो भी धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आता है। फ्लैक्सीड का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो ये कि ये हमारी स्किन पे जाने के बाद स्किन के pH को बैलेंस करता है, मतलब स्किन में जो पानी और तेल की मात्रा जो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स आने लगते हैं, फ्लैक्सीड से बने हुए जेल से जब ये pH को बैलेंस कर लेती है हमारी स्किन, तो हमारी स्किन नॉर्मल की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। इस जेल को बनाना बहुत आसान है, इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको लाइव दिखाया है, बट यहां पर मैं मोटा मोटा आपको रेसिपी बता देता हूं। आपको एक ग्लास जो है वो पानी लेना है, उसमें 4 चम्मच जो है वो फ्लैक्सीड के डालने हैं। बट याद रखें कि फ्लैक्सीड जो है वो ऑर्गेनिक होने चाहिए, किसी भी तरीके से केमिकल प्रोसेस्ड आप फ्लैक्सीड का इस्तेमाल नहीं करोगे। ऑर्गेनिक फ्लैक्सीड्स के लिए भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
ऑर्गेनिक फ्लैक्सीड्स का काम ये होता है कि ये आपकी स्किन पे बिना किसी केमिकल रिएक्शन के सिर्फ और सिर्फ फायदे देते हैं। जब आपने एक ग्लास पानी के अंदर ये 4 चम्मच फ्लैक्सीड्स डाल करके उबालना शुरू किया और आपको लगता है कि अब आपका पानी जो है वो धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है, गैस को बंद कर दीजिए और इस जेल को आप गर्म गर्म ही छान लीजिए ताकि आप इसे आसानी से छान सको। छानने के बाद में आप इसे ठंडा होने दीजिए, लगभग आपको आधा ग्लास के आसपास जेल मिल जाएगा। इस आधा ग्लास जेल के अंदर आपको यहाँ पर मिलानी है 4 चीज़ें। नंबर 1 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हल्दी। हल्दी जो है ये अपने आप में एक प्रूवन इंग्रेडिएंट है कि ये एंटी बैक्टीरियल एंटी जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज देती है और साथ के साथ में स्किन को फेयरनेस देने का काम भी करती है। सो लगभग आधा चम्मच के आसपास हम यहाँ पे हल्दी ऐड करेंगे। अगर हल्दी कस्तूरी हल्दी हो तो कहने ही क्या, ये आपकी स्किन पे बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी कालेपन के सिर्फ और सिर्फ बेहतर रिजल्ट देने में आपकी मदद करेगी। नंबर 2 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको इसके अंदर ऐड करना है वो है तुलसी वाटर। तुलसी के अंदर बहुत ज़्यादा स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप किसी भी तरह की तुलसी ले सकते हैं, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, कोई भी तुलसी आप ले सकते हैं। उसके लगभग आप 100 पत्ते ले लीजिए। इन 100 पत्तों को आप अच्छे से पहले तो कूट लीजिए। कूटने के बाद आप इसे लगभग 10 से 15 चम्मच पानी के अंदर मिला करके रख दीजिए। लगभग 1 घंटे के अंदर ये जो तुलसी की चटनी जो आपने बनाई थी या जो तुलसी को जो आपने टुकड़े टुकड़े किए थे, पीसेस किए थे, इसके अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो इस पानी के अंदर मिल जाएंगे। अब इस पानी को छान लीजिए और इस छने हुए पानी को अब आप इस जेल के अंदर ऐड कर दीजिए। तुलसी के अंदर बेसिकली स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी वजह से गर्मियों में ज़्यादातर जो हमारी स्किन पे कालापन आ जाता है, स्किन में जो झुलसाहट हो जाती है, उसको ख़त्म करने में तुलसी वाटर हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि सर तुलसी को हम कूटेंगे कैसे, तो खरल में आप कूट सकते हैं या फिर ग्राइंडर में आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, वो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आपको इसके अंदर ऐड करना है वो है विटामिन ई के कैप्सूल्स। विटामिन ई जो है आपको यहाँ पे 4 लेने हैं कैप्सूल्स। अगर आपको लगता है आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाती है तो आप 4 की जगह पे 2 कैप्सूल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो। विटामिन ई बहुत ज़्यादा नरिशिंग एजेंट है और साथ के साथ में स्किन को हाइड्रेशन का काम भी करता है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी देता है। सो 2 या 4 कैप्सूल्स को आप आराम से तोड़कर उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे इस जेल के अंदर मिला दीजिए। नंबर 4 और नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको इसके अंदर ऐड करना है वो है एलोवेरा जेल। तो लगभग 4 से 5 चम्मच के आसपास आप इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। इस एलोवेरा जेल के अंदर आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये प्लांट बेस्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्लांट बेस्ड जो एलोवेरा जेल होता है उससे एलर्जी होती है और बहुत सारे कमेंट्स हमें आते हैं कि सर हमने पेड़ से सीधा एलोवेरा जेल लगाया था, हमारी स्किन पर रेडनेस हो गई है, रैशेज आ गए हैं, दाने आ गए हैं, स्किन सेंसिटिव हो गई है। तो हमेशा मार्केट में मिलने वाले 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए भी लिंक मैं आपको दे दूंगा और इन चारों चीजों को मिला करके आपका एक DIY समर स्पेशल क्रीम बनके तैयार हो जाएगा। इसे आप दिन में 2 बार या 3 बार लगा सकते हैं। सुबह अगर आप लगा रहे हैं तो इसे लगाने के बाद सनस्क्रीन जरूर लगाएंगे। दोपहर में भी अगर आप लगा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। और अगर आप रात में इसको मसाज क्रीम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे 1 चम्मच लेकर अच्छे से अपने चेहरे पर मसाज कीजिए अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में, और फिर जब ये स्किन में जज्ब हो जाए, स्किन के अंदर जब ये एब्जॉर्ब हो जाए, तो इसे चेहरे पर लगा रहने दीजिए, सुबह वॉश कीजिए और आप देखोगे 10 से 15 दिनों में ही आपकी स्किन में आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलने लगे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लैक्सीड और तुलसी वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मेक श्योर इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अब आपका सवाल आएगा कि इसे कितने दिन के लिए बनाकर रख सकते हैं, तो 10 से 15 दिन के लिए आप इसे आराम से बना करके फ्रिज के बाहर भी रखोगे तो भी ये खराब नहीं होता है, क्योंकि विटामिन ई इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। राइट, सो मेक श्योर ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।